आज मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस दिखाने वाला हूँ कि ये हमारे पेशेंट है चार हफ्ते पहले हम लोगों ने इसका एसी रिकंस्ट्रक्शन किया और इसको हल्का सा यहाँ थोड़ा सा दर्द हुआ, तो इसने कहा कि चलो यार हम दोबारा एमआरआई स्कैन कर लेते हैं, देखने के लिए कि कहीं हमारा एसीएल खराब तो नहीं हुआ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे किसी किस्म का डर नहीं होता कि मेरे पेशेंट एसीएल के बाद एमआरआई करवा रहे हैं, तो मुझे कोई घबराहट है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा पहले चार हफ्ते के बाद, आप देखें एक तो माशाल्लाह टांग पूरी सीधी है, माशाल्लाह जबरदस्त बेंड हो रही है और ग्राफ्ट एब्सोल्युटली स्टेबल है। लेकिन आज मैं आपको एमआरआई स्कैन में दिखाऊंगा कि मेरे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद ग्राफ्ट वैसे ही लगता है जितना कभी एसीएल हुआ ही नहीं है। इसका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन चार हफ्ते के बाद की वीडियो है, अगर आप देखें तो ग्राफ्ट बिल्कुल एक जैसा होमोजेनस लग रहा है। इधर आ जाएं साथ में, देखें यहां से स्क्रू जा रहा है होमोजेनस, इधर आ जाएं और ये देखें इस जगह पे स्क्रू पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दूसरे इमेजेस दिखाता हूं। तो इंटरेस्टिंगली देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे एसीएल कभी रप्चर हुआ ही नहीं है। इधर आके देखें तो बिल्कुल यूनिफॉर्म एसीएल का पोजिशन है और स्क्रू की पोजिशन एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है।